ठाकुर आपका घर के ठाकुर है, बहुत बड़े सुंदर ठाकुर है। अपने आंगन भी बड़े सुंदर बनाएंगे सत्संग के लिए। देखो उसी आंगन की सार्थकता है जिसमें संत लोग आकर सत्संग हो जाए। इतना दिन तक तो आंगन बनाए थे लेकिन घर में सत्संग नहीं हुई। आज सब जो सत्संग हो गया ना घर में, बस तुम्हारी घर अभी आंगन तुम्हारी धन्य हो गया, तुम्हारी आंगन। क्योंकि आज इसी आंगन में भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन हो गया। बेटी कहाँ गई? उसको बुला क्या क्या नाम उसकी? उसका नाम रेनू है। रेनू अमित 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 डैडी को बुला दो। हम एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, तुमको कुछ समझा दूँ। ठीक है,
उसको वही अपना काम हरे कृष्ण देखो छोटी सी कथा सुन लो हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए। एक समय कोई बहुत एक गरीब व्यक्ति था जो दरवाजा दरवाजा में भीख मांग रहा था, लेकिन भीख मांगते मांगते किसी कारण से इससे घर में पहुंच गए, बड़े धनी घर में पहुंच गए। वो धनी व्यक्ति ने कहा भैया तू ये भीखा भीख क्यों मांग रहे, तो काम करके उसका पैसा कमा सकते हो, ये भीखा क्यों मांग रहे। उसने कहा बाबू जी मैं मजबूरी में मेरे को भीख मांगना पड़ेगा, अरे मजबूरी में मतलब मैं कहते चाहता हूँ कोई काम धंधा मैंने चले जाए, लेकिन किसी चीज में हाथ लगाऊ सोने में भी हाथ लग तो मिट्टी हो जाती, इसमें मैं कामयाब नहीं होता है, इसमें मेरे को मजबूर से भीख मांगना पड़ता है। वो सेठ जी बड़े दया थे, देख बेटा मेरा चावल का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तुमको अपना पार्टनर बना देता, मेरे पार्टनर बनाओगे। अरे बाबू और कोई नहीं, सवेरे सवेरे कोई नहीं मिला, नहीं मिली है मेरे को हंसी से लेकर करने के लिए कहा रोड का भिखारी, और तुम कहाँ इतने धनी वाले व्यक्ति हो, हैं अब तो कह रहे हो पार्टनर बना और कोई मिला नहीं, मैं ही मिल गया। तो इतने में कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, तो देखो पार्टनर नहीं के काम करता हूँ। बोले क्या? बोले पूरा के पूरा बिजनेस में चल रहे, ये पूरा बिजनेस तू लेते, लेकिन इसको अच्छे तरह से संभाल, लेकिन महीना का लास्ट में इसका 10% मेरे को मिला और 90% तू रख, कितना रखेगा 90% तू रख और मेरे बिना पे 10%। वो इतना खुश हो गया, इतने खुश हो गया, सवेरे सवेरे तो बारह बार हो गया। बोले बाबू कोई चिंता मत करो, महीना से पहले 10% मिला कर तेरे को दे दूंगा, कोई चिंता मत करो, दिन दोगुना रात चौगुना मैंने काम करके पैसा कमाऊंगा। लेकिन अभी उसने पूरा बिजनेस लग गया, लेकिन जब महीना पूरी हो गई उसने तय जितना हुआ था कितना देने के लिए 10% देने के लिए तय हुआ, लेकिन उसने देखा उसने 10% भी देने के लिए आया, कितना देने के लिए आया उसको भी देने के लिए वो नहीं आया। जब उसने नहीं आया तो भैया क्या हो गया, मैं पूरा पूरा बिजनेस उसको देख लिया, लेकिन कहा 10% देने की कभी नहीं आया। उनमें से कोई बात नहीं लगता है, काम काम में बिजी हो गया, अच्छे तरह से संभाल, लेकिन दो महीना हो गया, जब हो गया तब हो गया। बोले भैया क्या हो गया, पूरा पूरा बिजनेस दे गया 10% देने के नहीं है, 3 महीना 4 महीने जो 6 महीना हो गया आया नहीं, सोचा उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, क्योंकि अब तक तो देने के लिए नया क्या बात, जब वो गया ना देखने के लिए दिखा 3 महीना 4 रात चौकड़ा काम करना, क्या आलिशान मकान बनाया, चमक धमक बढ़िया बिजनेस चल रहा। जब उसने गया तो उसने कहा तो मेरे को पहचान रहे हो, वो कहता तू कौन हो, क्या कहता है तू कौन हो, तू कौन हो, मतलब ये बिजनेस तेरे किसने दिया, ये बिजनेस मैंने तेरे को दिया था, तेरे साथ क्या बात हुई, 10% मेरा मेरे को देना, 90% तो रख, लेकिन 10% तो देने के लिए यहाँ नहीं आया, अरे मैं आया तो तुम्हें तो तू कौन पैसा नहीं पा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति करता है को व्यक्ति को आप क्या बोलो, ऐसे बोलो अपना बताओ, ऐसे व्यक्ति जिसने 10% को देने के लिए नहीं आया, जिसने पूरा उसको बिजनेस दे दिया, ऐसे व्यक्ति को क्या बोल सकते हो, बोलो कुछ ना कुछ बोलोगे ना भाई, भैया तू क्या बोलो, हम कहीं से बोलोगे ना, बेईमानी नमक हराम कहीं से बोलोगे ना, बेईमानी नमक हराम ऐसे बात बोलोगे ना, उसी तरह हम लोग भी ऐसे ये मानव शरीर हमें किसने कृपा करके दिया, ये दिमाग किसने दिया हमें, ये दुकान दुकान किसकी कृपा से हमें मिली, उन्होंने सब कुछ कर दिया, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन वो कहते भैया तेरे को मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे को तुम 10% को पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं मांग रहा है, अगर 10% हमें समय, अगर तुम 24 घंटा को अगर 10% घर पर तो बताओ तो कितना समय होगा, 24 घंटा को अगर 10% तो कितना समय होगा, अगर 2.5 घंटा का उसको होता है अब कितना समय होगा, 2.5 घंटा होगा। ठाकुर जी कहते हैं भैया मेरे को 2.5 घंटा तो दो, तू
और सारा दिन काम करो, सारा दिन अपना काम करो, लेकिन ढाई घंटा दो। लेकिन हम क्या कहते, तू कौन होना है, तू कौन हो? अभी कोरोना है ना, अब तो लीव परसों जाते हो। ऑक्सीजन के लिए जितने लोग हमारे इसमें बताए ऑक्सीजन के, सारे हॉस्पिटल में हमारे परिचय व्यक्ति थे, किसी हॉस्पिटल दूसरे दूसरे से तीसरे पागल होकर घूमते रहे, लास्ट उसका भैया के दम पर केवल ऑक्सीजन के लिए जो 100 रुपया का 1000-1000 रुपया लेने का बता हो। लेकिन ठाकुर जी ऑक्सीजन कहाँ का करते हैं, नाक को पास में कभी एक पैसा मांगा, एक पैसा मांगा कबर में कभी, कभी उसने नहीं मांगा। देखो ऑक्सीजन के लोग कितने भरे, इसलिए सूरदास का एक पद है, वो कहते हैं जी जी कपू देही ताही बिस्तर आई कैसे नम बहराती जैसे मौसम कौन कुटिल कलता। सूरदास का पद, जिसने तुम्हें इंसान के बल दिया, जिसने तुम्हें तो बुद्धि दिया, दुकान मकान घर सब जिसने दिया तो उस पर ही भूल करके बैठ गया, और तेरे को जिसने कुछ भी नहीं दिया और बदनाम के सिवा इस संसार में कोई जिसको नहीं देते, आप जिसकी सेवा कर रहे हो संसार में, देखा थोड़ी सी भूल चुप हो जाए क्या बनेगा, तो मैंने तो क्या किया। छठ के बाद आता है जिनके लिए कोशिश करते खुश करे, अपना परिवार को खुश करे, थोड़ी सी भूल चुप हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए क्या, छठ ही आता है तुम्हारे लिए क्या, उनके लिए जिंदगी भर कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए द्रौपदी का नाम सुने हो, सुने हो द्रौपदी, उसकी 5 पति थे, कितना थे 5, अगर हमारी एक पति अगर ताकत बात हो ना, पत्नी सीना काना छाती खुला करके चल दिया है मेरे पति ऐसे, उसी समय में सर्वश्रेष्ठ गांधी था, सर्वश्रेष्ठ गदा भाई कौन था, सर्वश्रेष्ठ तलवार सर्वश्रेष्ठ भाला जिसमें युधिष्ठिर महाराज, इनकी रानी कौन है द्रौपदी। अब महाभारत देखे ना, जब उसकी लाल जा रही थी, वस्त्र हरण हो रही थी, किसी ने उसकी मदद किया, वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी कोई पति मेरे को तो मदद करेगा, भरी सभा में पत्नी की वस्त्र हरण हो रही थी, इंगला करके पुकार रही थी, लेकिन कोई काम भी नहीं आए, सब सर झुका करके बैठे हुए थे, फिर सोचे यहाँ पर भीष्म बैठे हुए थे, कुछ तो बोले के भी काम हो, द्रोणाचार्य बैठे हुए यहाँ पर, कौन कृपाचार्य बैठे हुए, धृतराष्ट्र बैठे हुए, ये पूछना तो कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई काम में आए, कोई भी काम में नहीं आए। लेकिन जब दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राम शरण अब तक जीवन आए, हे गोविंद तेरे सिवा जगत की कोई रक्षा करने वाला नहीं, बचा महाराज देखे होंगे ठाकुर स्वयं वस्त्र बच्चे करा, और 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, 10 दिन सारी खत्म नहीं हुई थी। भगवान क्यों मदद किए, कारण क्या, एक समय भगवान का अमृत कट गया, उनके रानी वाले खड़ी थी, लेकिन द्रौपदी उनके सामने साड़ी को फाड़ करके थोड़ी सी ठाकुर दिलीप गए, बोले द्रौपदी तुमने अपना साड़ी नहीं देखा मेरे लिए, साड़ी को फाड़ दिया, इसमें कितनी साड़ी, कब मैं तेरे लाल बचाऊंगा, कब तेरे लिए उतारूंगा, हरी सब अपने भगवान ही आकर मदद किया, कोई मदद नहीं किया है, इसलिए जो संसार है ना इसको आप खुश नहीं कर सकते हो। हम जगत में कोशिश करते हैं पत्नी को खुश करे, पति को खुश करे, बच्चे को खुश करे, अभी तक तुम्हारे लिए कोई खुश है, मैं खुश रहा, घर पर कोई खुश नहीं है, सास ससुर पति तो सही बता, बदनाम सिवाय दुनिया खुश रहने वाली नहीं, अगर कोई खुश करे बात ना बाकी बिहारी खुश करो, जो तुम्हारी लीली उतारेगा जगत में कोई खुश देने वाली नहीं, ठाकुर जी का 10% उसके लिए दो, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जीवन दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, इंसान कुछ दिया, उसके लिए हम क्या कहें, भगवान के घर सभी छोटे समय तो उसको दो, हमारे देखना तुम्हारी पूर्व तुम्हारी भैया पिता को देख रहे पहले क्या करते थे, पिता माता है सबसे पहले उठ करके नहा धो करके ठाकुर को स्नान करा, ठाकुर को बहुत यही करते थे ना, ठाकुर का आरती तुलस में पानी यही करते थे, क्यों उनको पता था यही काम में आएगा, और बढ़ते समय क्या जब सर्दी छूटेगा चार देखते जब कंधे पर ले जाएंगे, सुने क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात झूठा है, वो कहते बेटा जितने राम और कृष्ण बोला ना वही जा रहे हैं, और अगरों बगड़ों में जितने इकट्ठे किए हैं ना, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है, जिसको सात फेरा लगा कर शादी की वो दरवाजे से आगे नहीं जाएगी, तुम्हारे सामने दरवाजे से आगे पार नहीं करेगी, परिवार जाएंगे तो शमशान चले जाएंगे, वहीं से आगे टाटा करते करते बस चले जाएंगे, इसलिए मीरा कहती है
फाइव जी मैंने राम रखा था जीवन में मिला क्या, जैसे मैंने राम का नाम कृष्ण नाम लिया वही जीवन में मिला और जगह में समृद्ध होगा। सब गए राम से कल कोई आएगा भैया कोई नहीं आएगा, जिन्हों तो 10% तो मतलब पैसा जरूरत नहीं करेगा, ठाकुर पैसा नहीं मांग रहे, समय सगर नहा धो करके और इसमें ठाकुर के सामने बैठा मालिक वही घर ठाकुर की नौकर है। अब खुद देख लेना अगर सवेरे बैठी करके प्रभु का नाम लेकर जाओगे ना हम कहते ना मंगल भावना, अब स्वयं देख लोगे ठाकुर का नाम लेकर जाओगे तो कोई विपत्ति आएगा वो तुम पर रक्षा करेंगे, वो तुम पर रक्षा करेंगे क्योंकि तुम ठाकुर का नाम लेकर गए हो। हनुमान का नाम सुने कि नहीं बोलते ना, हनुमान का नाम सुनते क्यों जगत में एक बंदर को पूछा क्यों काम कर रहे हैं घर घर में, क्योंकि राम का पता है दिन भर करता है क्या रघुपति रात हो रहा क्या नाम इसलिए जगत में इतने बड़े पूजा हो रही क्योंकि जगत में जगत में मीरा के नाम क्यों ले रहे हैं दूसरे स्त्री का नाम नहीं ले रहे, मीरा का नाम क्यों राणा की पत्नी कृष्ण पत्नी करते, तुलसीदास का नाम क्यों ले रहे हैं राम का पुत्र, ध्रुव प्रहलाद का नाम क्यों ले रहे हैं भगवान भक्ति करते थे, जो भगवान की भक्ति किए ना जगत में वही अमर बने। जैसे अभी मोदी मोदी लहर चल रहा है अभी बार इलेक्शन में नहीं आएगा तो मोदी को पूछेगा वही पूछेगा नहीं जोगी जोगी लहर चली आ रही लेकिन अभी बार इलेक्शन में नहीं आया तो इसको वही नहीं पूछेगा कि जगत का बड़े से बड़े पोस्ट सब खत्म हो जाती है लेकिन एक पोस्ट कभी खत्म नहीं होती है जो भगवान भक्त बनकर बड़े हो जाए उनका नाम जगत में अमर हो जाता है। अगर जगत में बड़े बनना चाहते हो हीरो हीरोइन नहीं बन सकती भगवान भक्त बनकर के दिखाते हैं ठाकुर जी की भक्त बनकर के दिखाती है ना एक काम करो जैसे घर पर गोपाल जी है रोज ठाकुर को भोग लगा घर में जो कुछ खाना खाओगे ठाकुर को भोग लगाना पुरुष बता देंगे भोग लगाना है देखो कृष्ण गीता में कहते हैं और जो जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा गीता की चिंता करेगा क्या है तो उसको घर में दुख कष्ट नहीं आएगा प्रसाद से सर्व दुखाना मेरे को भोग लगा कर खाने से घर का दूसरा कष्ट नहीं और घर में लक्ष्मी आ घर में लक्ष्मी आई कृष्ण खुद कहते हैं और जो मेरे को बगैर भोग लगाए खाते हैं व्यक्ति ये भी कहते हैं भूत बगैर भोग लगाए खाते हैं सुदामा का नाम सुने सुदामा कि पहले गरीबी क्यों मना अब टीवी में देखे होंगे जब ये कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे उनको गुरु माता ने चाना किया था एक सुदामा कृष्ण को बिना किए स्वर्ग भर खाए इसलिए गरीब को धनी का बना जब भगवान से दो मूर्ति पीड़ा लेते गए ठाकुर जी दो मूर्ति खाने की भ्रमण करा देते थे कहते अगर भोग लगा के खाओगे ना घर में लक्ष्मी आएगी घर में शांति सुख रहेगी है घर में शांति सुख रहेगा समझ रहे हो अगर ठाकुर को भोग लगा कर नहीं खाओ ना पाप भर लेकिन भोग लगाने के लिए गर्दी चीज को भरना पड़ेगा गर्दी चीज को छोड़ना पड़ेगा उल्टा पुलटा चीज नहीं खा कर को नहीं मांस मछली दारू दारू भात नहीं पीना ठीक है ना बहुत अच्छी और एक चीज छोड़ना होगा प्याज लक्ष्मी का सुदर्शन चक्र से राक्षसों को काटा जो गला की मांस जहाँ पर गिरा है वहाँ प्याज की पौधा जहाँ पर उसका हड्डी गिरा वहाँ पर लहसुन की पौधा होगी और जहाँ पर वहाँ खून की खून को गिरा वहाँ मसूर दाल होगी इसी वजह ना 9 दिन तक कोई भी जो देवी का व्रत रखते हैं इंसान दिन तक किसी को घर में नहीं घुसाते नहीं खाते क्यों ये सब पाप इससे बना हुआ है क्या भैया 9 दिन के लिए खुद को खा कर नाश कर और जो चीज़ ठाकुर को भोग नहीं लगता है उसी को हम नहीं खाते हैं ये बाहर जाती है बातचीत को बाहर में कहीं इधर उधर काम करना पड़ता है इनके लिए तो ये दिक्कत है लेकिन तुम घर में रहो ना तुम तो घर में रहोगे अच्छे तरह से मसाला बहुत तरह का मिलता है बहुत तरह का मसला मिलता मसला डाल करके इतने बढ़िया चक्रपुत्र चाहिए ना लोगों को इतने सुंदर बनाओ कि भूल जाए सब चीज़ को हंसे रहो क्या इसलिए कि भूल जाए समझ रहे हो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ना अरे बगैर प्याज लहसुन के स्वाद नहीं आता हम बोलते हैं स्वाद नहीं आता नहीं आप बगैर प्याज आपके साथ एक चीज़ देख लेना घर में रोज प्याज लहसुन बनता रोज बनता एक्चुअली कोई तिथि दीवार आ जाए बढ़िया तिथि जिस तरीके घर में प्याज लहसुन नहीं बने खाते तो भोग लगा के खाते देखना किसी के लिए अलग चेहरा आता है
क्यों? ठाकुर को भोग जैसे दान है, जैसे सब्जी है, जिसका एक अलग टेस्ट है, एक से उसने प्याज लहसुन डाल दिया साथ से, खत्म, डाल का टेस्ट खत्म, प्याज की टेस्ट खत्म, प्याज की ही उसमें आ जाती है, बदबू आ जाती है, वो सारी चीज़ को प्याज लहसुन जो भूलते हैं सबका टेस्ट को खत्म करके वो अपना प्रभाव को ले आते हैं, है? अपना प्रभाव को भी दिखा देते हैं, इसलिए अगर प्याज देखो सामने से बैठे तो बहुत घर किसी घर में प्याज जय सब खड़े हो जाओ और ठाकुर की आरती करो।
जय जय राधा कृष्ण विनाशन कर नृसिंह देव की भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रहलाद महाराज की सपरिकर प्रभुपाद की सपरिकर गौर हरि की बोले बड़ोदवासी भक्त वृंद की प्रभु का नाम क्या है सुदेश गुप्ता प्रभु की उनके पुत्र परिवार दामाद की जय जय श्री राधे। आप लोग प्रणाम करो।
श्री गौर गंधर्व श्री राधा विनोद हरिलाल की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। ताई गौर प्रेमानंद जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भैया भोग बंद कर दो। अगले सत्संग यदि कोई कराना चाहते हैं तो अगर